धर्म एक वैयक्तिक अनुभूति के बारे में कुछ विचार आगे। एक गुरु, एक बहुत बड़ा वकील अपने शिष्य को समझा रहा था। उसकी सारी शिक्षा पूरी हो गई थी और कल ही वह अदालत में जाने को था। उसके गुरु से उसने पूछा कि अब आपका आखिरी संदेश क्या है मेरे लिए? कल मुझे अदालत में जाना है। तो उस बूढ़े वकील ने कहा, एक बात ध्यान में रखना, अगर कानून तुम्हारे पक्ष में हो तो वकील के सिर पर हैमर करना, बिल्कुल कानून ही कानून थोपना उसके सिर पर, एकदम हथौड़ी की चोट कानून की बात करना। उस युवक ने उस बूढ़े वकील से पूछा, और अगर कानून मेरे पक्ष में न हो? तो उस बूढ़े वकील ने कहा, फिर मजिस्ट्रेट के हृदय पर चोट करने की कोशिश करना, उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश करना, फिर कविता पढ़ना और काव्य की बातें करना और उसकी दया को प्रभावित करने की कोशिश करना। और उसने कहा कि अगर मेरा मामला ऐसा भी न हो कि जिसको सहानुभूति मिल सके, तो उस बूढ़े वकील ने कहा, फिर जोर जोर से टेबल पीटना, इतनी जोर से पीटना कि सारी अदालत समझे कि जो आदमी इतनी जोर से टेबल पीट रहा है वह ठीक ही पीट रहा होगा, क्योंकि कोई झूठा आदमी इतनी जोर से टेबल थोड़ी पीटता है। एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं पैगंबर हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिका हूँ, और सिर्फ पागलों को यह ख्याल पैदा होता है, किसी समझदार आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होते। धार्मिक आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होते कि मैं तीर्थंकर हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं ही ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। यह सब विक्षिप्त और न्यूरोटिक दिमागों के लक्षण है। धार्मिक आदमी को तो यह ख्याल होता है कि मैं हूँ ही नहीं, मैं क्या संदेश लेकर जाऊँगा। धार्मिक आदमी तो वह है जो परमात्मा में मिट जाता है। और अभी हम उन धार्मिक लोगों को पकड़े बैठे हैं कि जिसकी घोषणाएं, जिनके अहंकार की घोषणाएं बड़ी मजबूत है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, और कमज़ोर लोग उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और एक नया धर्म खड़ा हो जाता है। सारी दुनिया में धर्म बदलते गए हैं लेकिन धार्मिकता कम होती चली गई है। धार्मिकता बढ़ ही नहीं सकती धर्मों के बढ़ने के साथ। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।